मिथिला के मान सम्मान बीजेपी मिथिला के मान सम्मान मिथिला के मान सम्मान अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी अहाँ के सम्मान सर जी सर जी आज जो सर जी आज जो तीसरे चरण के मतदान जो हो रहे हैं सर जी आज जो तीसरे चरण के मतदान जो हो रहे हैं हुए हैं उस मतदान के बारे में और बहुत जोरदार मतदान अररिया में बख्तियारगंज में कटिहार में सभी जगहों पर सहरसा में पूरा बीजेपी को और पूरे देश भर में हर फेज में हम आगे बढ़ रहे हैं। लाखों मतों से लोग जीत रहे हैं। ये आंधी है और तूफान बन के आ रहा है वो तूफान सुनामी बन के विपक्ष को बंगाल की खाड़ी में केंद्र में आप स्वास्थ्य मंत्री थे सर जी केंद्र में आप स्वास्थ्य मंत्री थे उस स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आप रहते हुए बिहार के लिए क्या उसके लिए क्या दरभंगा के लिए एम्स दे दिया अब क्या दे एम्स दे दिया एम्स दरभंगा के लिए सर जी क्या यहाँ के जदयू के विधान पार्षद जो थे पूर्व में संजय झा क्या गोपाल जी ठाकुर के लिए प्रचार के लिए आएंगे या सब लोग आएंगे पूरा भारत एक हो गया है नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू आतंकवाद कहने वाले हिंदू भगवा आतंकवाद कहने वाले उनको सबक सिखाने का दिन आ गया हिंदू सहिष्णु है हिंदू संस्कारित होता है। एक प्रज्ञा प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो कांग्रेसियों ने उन्हें हमारे साधु संतों को आतंकवादी हिंदू का हिंदू आतंकवाद का उसका बदला इस चुनाव में होकर रहेगा और तमाम ये वंशवाद का विरोध होगा वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद का किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है एनडीए के पक्ष के लिए एनडीए सबका साथ सबका विकास को साकार करने के लिए आप देख रहे हैं वसुदेव क्या कहते हैं कुटुम्बकम और सर्वधर्म क्या कहते हैं संभाव को लेकर के चल रही है राष्ट्रहित और देश हित को बनाने के लिए चल रही है। माइनॉरिटी के वोटों को कैसे लाएंगे आप अपने पक्ष में देखिए यहाँ माइनॉरिटी का सवाल नहीं है मेजोरिटी का सवाल नहीं है यहाँ सबका साथ और सबके विकास का सवाल है और राष्ट्र जब रहेगा तब कोई रहेगा।